बाप रे बाप, ये ट्रक को तो देखो, बाप रे। ये हो गया मेरा बाइक एकदम चमचमाते हुए। ऑर्डर देने के टाइम में बोला था कैमरा बंद करो, क्यों करी? नो करो जा। हेलो, व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है एलेक्स एंड वेलकम टू माय चैनल एलेक्स नोंगखोल था। नाम थोड़ा यूनिक है ना। चलिए बताता हूँ इसके पीछे का कहानी, अभी नहीं कभी और बताता हूँ, कभी फुर्सत में बताता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने हॉर्नेट 160 को मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, मतलब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। तो ये है हॉर्नेट 160 अभी जिसके बारे में बात कर रहा था, और आज मेरे साथ चल रहा है राजीव भाई। लड़की जैसा दिखता है पर लड़की नहीं है। मतलब बाल भरा है। तो आज इसी को थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस करने के लिए चलेंगे, तो राजीव भाई मेरे को मदद करेंगे वीडियो करने में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे पीछे में बैठे हुए राजीव भाई, मोबाइल उन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये वीडियो मोबाइल में हो रहा है, गोप्रो में नहीं, क्योंकि गोप्रो है नहीं ना भाई, गरीब गरीब ब्लॉगर यार। आप लोग सपोर्ट करोगे तो गोप्रो भी आ जाएगा। तो अभी इधर से हम लोग आगे से राइट लेने वाले, राइट लेके फिर लेफ्ट लेंगे, तब जाके हम लोग को बसिस्ता चारेली मिलेगा। जो ये हाथ खान जो बेसी बिखोई ना मुझ शोल्डर पर देने रेस्ट लो बगाने थोड़ी में। हम लोग इधर से चलते क्या? इधर में बहुत भीड़ होने वाली है, इधर से चलते। अरे KTM RC, मेरा भी था एक टाइम में KTM RC 200, पर चोरी हो गया यार। अगर आप लोग मेरे को पहले से अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेरा भी KTM RC 200 था, लेकिन उसमें मैंने 390 लिख लिया था। क्योंकि 390 तो एफोर्ड कर नहीं सकते, तो फिर लिख लो है कि नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरा बाइक वो चोरी हो गया, चोरी होने के बाद से मैं ये बाइक चला रहा हूँ, और ये वाला मेरे भैया का बाइक है, पर अभी मेरा भैया ये बाइक चलाता नहीं, तो उनका ये बाइक मैं चला रहा हूँ जब तक दूसरा बाइक ले नहीं लेते। 2019 में 29 नवंबर में मेरा चोरी हुआ था, और अभी एक साल से भी ज़्यादा हो गया, तो अभी तक मेरा इंश्योरेंस का पैसा मिला नहीं, क्योंकि आप पुलिस वाले मेरा FR रिपोर्ट नहीं भेज रहे। FR मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं भेज रहे वो कोर्ट में, तो कोर्ट से मेरे को क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। वो मिलता है उसके बाद मैं जाके इंश्योरेंस ऑफिस में डालूँगा, तब जाके मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो हाँ, उसके बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा मैं पूरा प्रोसेस क्या होता है ना। अगर आपका अगर बाइक हो या कार हो या कोई भी व्हीकल हो, अगर आपका गाड़ी अगर चोरी हो जाता है तो उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और ये तब तक चलाऊंगा जब तक दूसरा बाइक नहीं आ जाता। फिर उसके बाद शायद मेरा भैया ये बाइक को बेच दे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट शायद मेरा भैया इस बाइक को बेच देगा, पर अभी इसको बेच नहीं रहे क्योंकि मेरे को अभी चलने के लिए कुछ चाहिए ना भाई। तो भैया ये वाला बाइक चलाता नहीं है, तो उसके पास गाड़ी है, फोर व्हीलर है, तो इसके लिए दुख भरी बातें छोड़ के आगे चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले ये गाड़ी को धो लूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ ये जो कलर फिल्म लगाऊंगा ना, तो गंदा बाइक के ऊपर लगाने से थोड़ा सा शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ मतलब अच्छे से फिनिशिंग ना हो, तो इसीलिए पहले गाड़ी वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद फिल्म लगाएंगे। तो अभी पहुंच चुके हम लोग ये गेम विलेज, तो इधर से हम लोग यू टर्न लेंगे। अरे बाप, तो हम लोग अभी जा रहे भेटापारा जा रहे, मतलब मैं ये गाड़ी को वॉश करेंगे, फिर उसके बाद लोखरा साइड जाएंगे। क्या यार, इधर में मतलब देखेंगे तो लाइक 40% लोग हेलमेट पहनते ही नहीं हैं, अभी तक मैंने 3 बंदों को देख लिया बिना हेलमेट के। तो इधर से राइट साइड में एक कार वॉश है, इधर में मैं अपना बाइक धुलाऊँगा,
अभी इधर से लेते हैं टर्न। गाड़ी खान को तुम भाई जी तो पहुंच चुके कार वॉश में। इधर में अभी बाइक धुल रहा है, उधर में लाइक प्रोसेस शुरू हो गया गाड़ी धोने का। अभी इधर में राजीव भाई अखबार पढ़ रहे, न्यूज रिपोर्टर बनेंगे कह रहे फ्यूचर में जाके। देखते क्या होता है, आई बोल लो। और अभी तक जिन्होंने ये वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो। अगर कुछ भी मेरे अंदर कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पहली बार ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है, पहली बार लाइक ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गलतियाँ होती है तो माफ़ कर देना और मेरे को बताना क्या गलतियाँ हुई है, ताकि मेरे को पता चले और मैं फ्यूचर में जाके सुधार सकूँ उसको। तो चलिए अभी गाड़ी धोने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये ये हो गया मेरा बाइक एकदम चमचमाते हुए। दिस भैया, भैया आपका नाम क्या है? माय नेम इज अविनाश बर्मन। अविनाश बर्मन, ओके कूल। हाँ थैंक यू सो मच भैया मेरा गाड़ी को एकदम अच्छे तरीके से चमचमा देने के लिए। हाँ जरूर जरूर जरूर, आप लोग भी आइए। ये भैया बहुत अच्छा धोते, तो बहुत अच्छा साफ़ कर देते। अभी देखिए मेरा ये पुराना बाइक नया हो गया, बाइक का 100 रुपये। ऐसा फोर व्हीलर अगर लाते तो 300 से 400 के बीच में होगा, और एक्सयूवी टाइप का अगर इस टाइप का अगर कोई गाड़ी लाते तो वो 400 के आसपास होगा। ठीक है, 100 रुपया निकाल के भैया को दे रहा हूँ। भैया लीजिए 100 रुपया। ये है स्टार कार वॉश। तो ये है भेटापारा चारियाली का वो ट्रैफिक सिग्नल वाला, तो उसको क्रॉस करेंगे तो आपको ये दिखेगा, तो इधर में आप आ सकते हैं। तो चलिए इधर से निकलते हैं अभी। राजीव भाई बैठ जाओ। राजीव भाई बैठो, राजीव भाई पकड़ो थोड़ा सा। गोप्रो है नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी चला के भी अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा पावर, वैसे भी इस गाड़ी का पावर इतना है नहीं, तो थोड़ा सा पावर ड्रॉप तो फील होता है, तो क्योंकि पहले आरसी था। पर अभी चलाने के बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लाइक पहले से थोड़ा सा हल्का सा बेटर फील हो रहा है। इधर से अभी हम लोग सीधा जाएंगे, सीधा जाके लेफ्ट लेंगे और उधर मैं आके आपको मिलता हूँ। ठीक है, और इधर में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये लेफ्ट साइड में है, ये रहा लेफ्ट साइड में, इधर से डालूं, इधर से डालेंगे। ये रहा जहाँ मैं अपना बाइक में रैपिंग कराऊंगा, काफ़ी सारे बाइक है इधर में। हेडफोन लाल देखा है नहीं हाँ तो भाई इधर में जब आया, इधर में आने के बाद पता चला इधर में काफ़ी सारा बाइकों का काम चल रहा है, तो आज नहीं होगा बोला। तो फिक्र मत करो भाई, मैंने बताया ना आप लोगों को दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा हाँ, पर ये वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आप दूसरे वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, वो कल आ जाएगा। आज मैं ये अपलोड कर रहा हूँ और कल मैं वो अपलोड कर दूँगा एवरी डे टाइप का। तो इधर में और भी बहुत सारा बाइकों का काम चल रहा है ना, तो इसीलिए आज को नहीं होगा। बोला कि मेरा बाइक का थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, शायद से पूरा दिन भी लग जाए। तो अभी इधर का नहीं हुआ तो क्यों, अभी हम लोग कहीं और चाह रहे। तो राजीव भाई जो हमारे कैमरे के पीछे हैं, तो वो राजीव भाई ने बोला कि एक जगह में बहुत बढ़िया वाला पुचका मिलता है, पुचका मतलब क्या, पानीपुरी मिलता है। तो आज हम लोग वो पानीपुरी खाने के लिए चलेंगे, पर थोड़ा महंगा है बोला है, तो आज जेब थोड़ा ढीला होने वाला है। मैं क्यों तो राजीव भाई देगा, राजीव भाई बोला है तो राजीव भाई खिलाएगा, मैं थोड़ी खिलाऊंगा। तो आज अभी हम लोग जाएंगे उधर में पुचका खाएंगे, मतलब पानीपुरी खाएंगे और बताएंगे आपको टेस्ट कैसा है। तो चलिए हम लोग अभी इधर से चलते हैं और सीधा उधर में मिलते हैं। चल जाए, हमने जैसे कहा था हम लोग पुचका खाने आएंगे, तो पुचका मतलब पानीपुरी खाने के लिए आया है इधर में, और अभी खाएंगे इधर में। हम लोग अभी है सिटी सेंट्रल में, सिटी सेंट्रल में आए। इधर में हम लोग महंगा वाला पुचका खाएंगे, महंगा। दाम कितना है पता है? देखोगे ऊपर दिखाता हूँ, देखा बहुत महंगा है भाई, 100 रुपये का सिर्फ 6 पीस। ये हमारा पुचका आ गया। अच्छी भैया
वेलकम। क्या क्या मिला है? ये चश्मा मास्क मेरा है, ये फ्री नहीं मिला। तो एक टिशू हमने ऑर्डर किया था 100 रुपये का पुचका, जिसमें 6 पीस आता है। और ये आलू का चोखा, ये है खट्टा वाला पानी, और ये है मीठा वाला पानी, और 30 रुपये का 3 एक्स्ट्रा, एक का 10 रुपये का। भाई बहुत महंगा है भाई, सच्चे में। अनकोरिशा अभी राजीव भाई वीडियो करेगा और मैं खाऊंगा, ये देखेगा। तो इसको खाना कैसे, सिंपल है भाई, सबको ये खाते हैं। तो पहले अपना हथियार उठाओ, इसको खोलो। थोड़ा सा आलू का चोखा ले लो, इसको इसके अंदर डालो, ज़्यादा मत लो, नहीं तो राजीव भाई ऑफेंस हो जाएंगे है ना। और ये मीठा पानी नहीं, ये मीठा पानी राजीव भाई को बहुत पसंद है, इसलिए मीठा वाला पानी राजीव भाई पिएगा, मैं खट्टा वाला पानी पीऊँगा। और इसको इधर में ऐसे डालेंगे, ये हो गया। अभी आप लोग देखो मैं खाऊँगा। राजीव भाई तुमको देख के कैसा लग रहा है, डाला जा रहा है? अभी हम दोनों खाएंगे और आप लोग देखिए, नहीं नहीं देखिए, लाल जाएगा। तो हम दोनों खाते और हो गया ख़त्म, पूरा ख़त्म। मेरा बस चल रहा, मैं चाट चाट के खा रहा था। हाँ तो अभी है रिव्यू टाइम, 100 रुपये का डिजर्व करता है, लाइक सीरियसली डिजर्व करता है। टेस्टी हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ, तो नहीं सच में टेस्टी था, 100 रुपये डिजर्व करता है। पर स्ट्रीट साइड में जो मज़ा है ना, वो इधर में नहीं है मेरे भाई, सच्ची में। स्ट्रीट साइड में खाओ और मज़े करो, पैसे बचाओ, लेकिन उधर का थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, इधर का थोड़ा हाइजीनिक है। मैं इसमें से इसको मैं 10 में से देता हूँ 7। पानीपुरी बहुत हो गया, अभी कुछ पेट भरने वाला सामान खाते हैं। तो सामने में मेरे को KFC दिख रहा है, चले गया राजू भाई, चले गया हंस रहा है, चलो चलते। ये देखो पीछे में KFC है, अंदर वाला नहीं कर सकता। ऑर्डर देने के टाइम में बोला था कैमरा बंद करो, क्यों करी, नो करो जा। थोर का ये हथौड़ा राजीव भाई देखते कैसा लग रहा है? नहीं, मैं अकेला पूरा खाया, राजीव भाई मेरे को खा देगा, क्योंकि उसी का पैसा का है ना। तो एज यूजुअल आप लोग देखिए हम लोग खाते हैं। खाना पीना हो गया और KFC में जितना ऑर्डर दिया उतना हम दोनों थूस नहीं सके, तो आधा बैग में डाल के लेके आया हूँ, घर में खाऊंगा। और मिलते हैं आपको रास्ते। सॉरी यार, रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था, और मैं सारा वीडियो अपने फोन से ही कर रहा हूँ। रिटर्न आने का टाइम का वीडियो नहीं बना पाया लाइक रास्ते में। तो चलिए अभी ये वीडियो को इधर ही तक रखते हैं और कल आइएगा वापस, क्योंकि कल होने वाला है धमाका। धमाका क्यों? क्योंकि कल हम लोग बाइक का जो पार्ट्स है वो पार्ट्स सबको लेने जाएंगे और आप लोग भी चलेंगे मेरे साथ, ठीक है? और अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो फिर
क्या कर रहे हो यार, लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक करो। अगर बुरा लगा मेरा ये वीडियो या फिर अगर कुछ भी कमी रह गई तो फिर प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा यार, नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। नया ब्लॉगर हूँ यार, सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आप लोग बताएंगे तभी तो सीखूंगा मैं क्या क्या मैंने गलती की या फिर कैसा करना चाहिए था। आप लोग कुछ सजेशन दीजिए मेरे को तो मैं उसको फॉलो करूँगा ज़रूर। और बस इतना ही, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस। She take me out of my place, but I stay in my zone. Look me right in my face, she can see through my soul. I said don't think about it, I said don't think about it.